डेवेलपमेंट इन ह्यूमन फीमेल फर्स्ट था कॉन्टेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ ओवरीज प्राइमोडियल फोलिकल प्राइमरी फोलिकलेशन कार्यूटिन एंड कार्पस एलबिकेन्स एंड द एट्रियाटिक फोलिकल्स फर्स्ट था स्ट्रक्चर ऑफ ओवरीज अगर हम ओवरी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ओवरी हमारे पास जो है वो बॉडी के अंदर एबडोमिनल रीजन के अंदर मौजूद है ओवरीज को क्रॉस सेक्शन में देखें तो इसके दो पार्ट्स हैं जो इसका सेंटर वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द मेडुला और जो साइड्स वाला पेरिफेरल रीजन है दैट इज कॉल्ड द काटेक्स जो सेंटर वाला मेडुलरी रीजन जो होता है जिसको मेडुला बोलते हैं इसके अंदर बेसिकली ब्लड वेजल्स होती हैं या फिर नर्व्स मौजूद हैं जबकि जो साइड्स के ऊपर जो पोर्शन मौजूद है दैट इज एक्चुअली द रीजन वेयर फोलिकल्स आर प्रेजेंट फोलिकल वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एग मौजूद है और उसके गिर देखें मेमब्रेन या लेयर ऑफ सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं तो कॉटेक्स में डिवेल्पिंग फोलिकल्स मौजूद होते हैं अच्छा जो डिवेलपिंग फोलिकल्स हैं इनको हम प्राइमोडियल फोलिकल्स शुरू अगर हम जब बात करते हैं जब एक फोलिकल बनता है मद यंग किसी फीमेल के अंदर तो हम इसको प्राइमोडियल फोलिकल अच्छा प्राइमोडियल फोलिकल बनता कैसे कहाँ है सबसे पहले जब एक फ़ीमेल की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है वो अपनी मदर के बॉडी के अंदर यूट्रस में ख़ुद उसकी अभी डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसकी अपनी डेवलपमेंट के दौरान जब उसके अंदर ओवरीज बनती हैं उन ओवरीज के अंदर छोटे छोटे फोलिकल्स भी बन जाते हैं जिन्होंने आगे उसकी सारी लाइफ के अंदर एग्स को रिलीज़ करवाना है तो इसका मतलब है कि जब उसकी अपनी डिवेलपमेंट हो रही तो उस दौरान ही उसकी बॉडी के अंदर ओवरीज़ में फोलिकल्स बन जाते हैं जिनको प्राइमोडियल फोलिकल्स कहते हैं बेसिकली प्राइमोडियल फोलिकल्स के अंदर जो एग है वो म्यूसिस वन के ऊपर हाल्ट हुआ होता है ठीक है उसके जो होता है वो इसी स्टेज के ऊपर जब वो रहता है तो अब प्राइमोडियल फोलिकल्स के बाद जब उस जो बेबी है फीमेल है उसकी बर्थ हो जाती है उसकी ग्रोथ के बाद जब वो प्यवरिटी की एज तक पहुँचेगी यानी प्यविटी के एज या ग्लूगोथ की एज तक जब पहुँचेगी तो फिर क्या होगा कि वो जो प्राइमोडियल फोलिकल्स हैं वो फोलिकल स्टिबुलेटिंग हार्मोन जब पिचट्री ग्लैंड से रिलीज होगा एवरी मंथ तो उसमें से कुछ प्राइमोडियल फोलिकल्स अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे और डेवलपमेंट स्टार्ट करने की वजह से फिर वो आसास्था जो प्राइमोडियल फोलिकल है वो प्राइमरी फोलिकल में कन्वर्ट होगा और प्राइमरी फोलिकल फिर आगे किस में होगा सेकेंडरी फोलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है और फिर आगे उससे क्या बनेगा जहाँ वो ग्राफिन फोलिकल या समटाइम्स उसको ट्रशरी फोलिकल भी कहते हैं तो प्राइमोडियल जो है वो बर्थ से पहले ही बन चुका होता है एक फीमेल के बॉडी के अंदर जबकि प्राइमरी सेकेंडरी और ट्रशरी जो होता है ये बाद में आसास्था जब वो बनेंगे ओव्यूलेशन अब ओवोल्यूशन बेसिकली वो प्रोसेस है जब एक प्राइमोडियल फोलिकल से प्राइमरी फोलिकल बन गया है सेकेंडरी बन गया है जो मेच्योर फोलिकल है जिसको ट्रशरी फोलिकल या ग्राफियन फोलिकल कहते हैं ग्राफियन फोलिकल वो ओवरी के अंदर ऐसे फोलिकल हैं जिसके अंदर एग जो है बिल्कुल रिलीज़ होने के लिए तैयार होता है अच्छा जब एग रिलीज़ होने के लिए तैयार है तो उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हारमोन आएगा वो फोलिकल के अंदर से एग को रिलीज़ करवा देगा और एग का जो रिलीज होने का जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहेंगे इट इज ओव्यूलेशन है ओव्यूलेट हो रहा है एग रिलीज हो रहा है ये ठीक है तो इसमें बेसिकली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो ओवरीज के अंदर फॉलिकल को रप्चर करवाता है जिसकी वजह से एग जो है वो रिलीज हो जाता है अब फॉलिकल से जब एग रिलीज हो जाता है तो फॉलिकल जो है ये एक येलोश कलर की बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम फॉलिकल का काम था एग को डेवलप कराना अब कॉर्पस कौर ल्यूटियम एक दूसरी जॉब पकड़ लेता है कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा इट विल स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टीरोन एस्ट्रोजन पहले भी प्रोड्यूस हो रहा था अब जो कार्पस ल्यूटियम जो है ये भी एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को एनहेंस करेगा अब जो फोलिकल स्टिम। जो इसमें कार्पस ल्यूटियम से पैदा होने वाले प्रोजेस्टिरोन और एस्ट्रोजन जो हैं ये दोनों मिलकर क्या करेंगे कि ये जो यूट्रस की एंट्रोम्यूट्रियम है जहाँ जाकर एम्ब्रियो ने इम्प्लांट होना है उसको स्टेबल करते हैं उसकी जब जा वो ज़्यादा वास्कलाइजेशन करते हैं उसमें तो ब्लड वेजल ज़्यादा बनती हैं उसको स्टेबल करवाते हैं अब अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो फिर क्या होगा कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये तकरीबन फोटीन डेज के बाद आहिस्ता आहिस्ता डीग्रेड होना शुरू हो जाएगा और कार्पस ल्यूटियम के डीग्रेड होने से जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी दार्पस एलबी कैंस एलबी कैंस बेसिकली एक स्ट्रक्चर डिसइरेटर स्ट्रक्चर होगा जो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा का रिलीज़ हो जाएगा यहाँ आप देख सकते हैं कि कार्पस शुरू में फोलिकल डेवलपमेंट है जब एग रिलीज हो गया फोलिकल से तो फिर कॉर्पस ल्यूटियम बन गया है कॉर्पस ल्यूटियम आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होने के बाद ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है वो कार्पस एल बी यानी जो डिस इंटीग्रेटेड फार्म होगी उसका हम फिर क्या कहेंगे इट अ कारपस एल बी के इनका जो वो नाम देंगे एट्रियटिक फोलिकल्स क्या होते हैं जब एक ओवरी के अंदर हम जानते हैं कि एक फीमेल के अंदर सिर्फ मंथली एक एग प्रोड्यूस होता है और एग की प्रोडक्शन को बेसिकली फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है स्टार्ट करवाता है असल में ये होता है कि जो ओवरी है उसके अंदर एक एग की डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं होती है बल्कि पंद्रह से बीस एग्स जो होते हैं वो ह्यूमन फीमेल के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं एवरी मंथ अब उन पंद्रह से बीस में सिर्फ एक होगा जिसने मेच्योर होना है जो बाकी है, अगर हैं अगर सपोज करें फिफ्टीन हैं तो एक ने मेच्योर होना 14 ने डिसंटीग्रेट कर जाना तो जो डिसइंटीग्रेट करने वाले होते हैं उनको हम कहते हैं दिहादी एट्रियाटिक फोलिकल्स एट्रिशिया बोलते हैं इसको ये वो डिस इंटीग्रेट करने वाले फोलिकल्स हैं जिन्होंने कभी भी आगे एग नहीं बनाना वो एपोप्रोसेस के थ्रू खुद ही क्या जाते हैं ख़त्म हो जाते हैं